डॉक्टर। महोबा में कुछ ही देर में सीएम योगी की रैली, बीजेपी के पक्ष में करेंगे वोटों की अपील, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पंजाब के पठानकोट में सीएम ने की जनसभा, जनता से की एक मौका देने की अपील, कहा पंजाब को बदलता देखेंगे। एसपी सिंह बघेल को मिली जेड श्रेणी की सिक्योरिटी, मंगलवार को हुआ था काफिले पर हमला, करहल से हैं बीजेपी के प्रत्याशी। केजरीवाल का कुमार विश्वास पर बड़ा आरोप, केजरीवाल को पंजाब में बताया अलगाववादियों का समर्थक, कहा पंजाब एक राज्य नहीं बल्कि एक भावना है। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के एक दौरे की खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज महोबा के दौरे पर हैं, जहां पर वो स्थानीय डाक बंगले में जनसभा को संबोधित करेंगे। सदर विधानसभा प्रत्याशी राकेश गोस्वामी और चरखारी विधानसभा से प्रत्याशी ब्रजभूषण राजपूत के पक्ष में वोट करने के लिए जनता से अपील करेंगे। सीएम योगी के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं पंजाब के पठानकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आप मुझे सेवा का एक बार मौका दीजिए, आप नया पंजाब बनते देखेंगे। सीएम पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथ लिया, साथ ही बीजेपी की उपलब्धियों को जनता के सामने गिनवाया। पीएम मोदी ने कहा कि महामारी दौर में हमने पंजाब के गरीबों समेत करोड़ों नागरिकों को मुफ्त राशन देने का काम किया है, हमने सभी प्रयास किए और सुनिश्चित किया है कि कोई भी भूखा ना रहे। उन्होंने कहा पंजाब में मुझे बाकी देश जैसा सेवा का अवसर नहीं मिला है, आप मुझे 5 साल सेवा करने का मौका दीजिए। जनता ने जब जब हमारा साथ दिया है तो फिर ना तो जनता ने हमारा साथ छोड़ा है और ना ही हमने जनता की सेवा करना छोड़ा। उन्होंने कहा जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां जनता ने विकास होते देखा है। जब यहां मंच पर आ रहा था तो मुझे वाल्मीकि समाज के सभी प्रमुख लोगों ने पवित्र माला पहना करके मुझे आशीर्वाद दिए। मैं वाल्मीकि समाज के भी सभी संतों का हृदय से प्रणाम करता हूं। आज मेरा ये भी सौभाग्य रहा कि कबीर परंपरा के अनुयायी भी आज यहां आकर के मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, ये भी मेरा बड़ा सौभाग्य है। और मंच पर आते ही संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी के चरणों में यहां भी मुझे माथा टेकने का मौका मिल गया। साथियों, संत रविदास जी का एक दोहा है और ध्यान से सुनिए, और जब ध्यान से सुनोगे तो आपका भी पक्का विश्वास हो जाएगा कि मोदी की सरकार वही कर रही है जो संत रविदास जी कह के गए हैं। संत रविदास जी ने अपने दोहे में क्या कहा है, और उन्होंने ऐसा चाहूं, संत रविदास जी ने कहा है ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की सराहना की है और कहा कि पुलिस को अगले 5 साल और 25 साल के लिए एक रोडमैप तैयार करना चाहिए।
अमित शाह दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों और कोरोना वायरस महामारी के दौरान कठिन परिश्रम किया है। जिस प्रकार दिल्ली पुलिस ने दंगों की जांच की और अदालत में पेश किया, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं और राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस होने के नाते उसके पास गणमान्य लोगों को सुरक्षा देने समेत कई दायित्व हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के सामने कई कार्यक्रमों को बिना किसी समस्या के पूरा कराने और कानून व्यवस्था से संबंधित अन्य मामलों का भी दायित्व होता है। शाह ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई घटना होती है तो उसका असर दिल्ली पर भी पड़ता है। पुलिस के पास यहां स्थिति पर निगरानी रखने का भी काम होता है। दिल्ली पुलिस के उन 79 जवानों को भी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जिन्होंने 2 वर्ष के अंदर कोरोना महामारी से दिल्ली की जनता को बचाने के लिए अपने आप को आहूत किया। पहली पंक्ति में रहकर कोरोना का सामना करना, जिनके परिवार में कोई नहीं था उनका टेस्ट कराना, उनको अस्पताल तक पहुंचाना, ऑक्सीजन सिलेंडर देने जाना, कई प्रकार के अंतिम संस्कार तक के सहायता के काम दिल्ली पुलिस ने किए हैं और उसमें दिल्ली पुलिस के 79 जवानों की अधिकारियों की क्षति हमें हुई है। मैं वो सभी के परिवारजनों के सामने नतमस्तक हूं और वो सभी हमारे पुलिस कर्मियों को पूरी दिल्ली की जनता और देश की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि सेवा का जो जज्बा आपने दिखाया है, कर्तव्य परायणता का जो जज्बा आपने दिखाया है, न केवल दिल्ली पुलिस, देश भर की पुलिस के लिए ये मार्गदर्शक भी होगा, प्रेरणा का स्रोत भी होगा। आज 75वें जन्मदिन पर दिल्ली पुलिस के हम सभी नम आंखों के साथ आपको याद भी करते हैं और आपकी कर्तव्य परायणता के कारण आपकी जो असमय मृत्यु हुई है, आपने अपना बलिदान दिया है, इसको हम श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। यूपी के हॉट सीट करहल से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। अब उनके पास सीआईएसएफ की जेड स्तर की सुरक्षा रहेगी जो उन्हें 11 फरवरी से मुहैया कराई गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी उतरे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के काफिले पर मंगलवार को पथराव और हमले का मामला सामने आया था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसके लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराते हुए दावा किया था कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी पुलिस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल थाना करहल की असरोही चौकी के ग्राम अतिकुल्लापुर के पास से गुजर रहे थे, तभी अचानक गाँव के कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर लाठी पत्थर फेंक कर हमला किया। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाते हुए पंजाब में उन्हें अलगाववादियों का समर्थक करा दिया है। कुमार विश्वास ने कहा कि पंजाब एक राज्य नहीं बल्कि वो एक भावना है, पूरी दुनिया पंजाबियत एक भावना है। कुमार विश्वास ने कहा कि पिछले चुनाव में केजरीवाल को उन्होंने कहा था कि अलगाववादी ताकतों का साथ पिछले चुनाव में ना लें, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल ने इतनी बड़ी बात एक दिन कही थी कि एक दिन मैं या तो एक दिन स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। उन्होंने आगे कहा, मैंने केजरीवाल से कहा था कि अलगाववाद है, 2020 का रेफरेंडम आ रहा है और पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि तो क्या हुआ, स्वतंत्र देश का पीएम बनूंगा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की सोच में यह है कि किसी भी कीमत पर सत्ता मिले। औरैया के ककोर मुख्यालय मैदान में पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी, कांग्रेस और बसपा पर जमकर निशाना साधा, साथ ही बीजेपी के खिलाफ अन्य संकल्प लेने का भी आह्वान किया है।
तो औरैया से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अखिलेश यादव की जनसभा हुई है, जिसमें अखिलेश यादव ने सीधे बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में अलग अलग दलों से आए पदाधिकारियों ने पार्टी की सदस्यता ली, जिसमें भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, बसपा के पूर्व मंत्री सुजन त्रिपाठी, इतना ही नहीं मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया संगठन, अखिल भारतीय परिवहन ट्रस्ट संगठन ने अपना समर्थन दिया है। अयोध्या से सपा नेता विवेक मिश्रा जहां बीजेपी में शामिल हुए, तो वहीं कांग्रेसी नेता स्वरूप राज सिंह ने भी पार्टी की सदस्यता ली। सोनभद्र से राजकुमारी दीक्षा कुमारी भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। पीलीभीत पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बताया, साथ ही कहा कि बीजेपी और ओवैसी दोनों नागपुर में ट्यूशन लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने और लोगों ने बीजेपी को वोट देकर गलती की है। बीजेपी को लोग वोट जात धर्म हिंदू मुसलमान के हिसाब से देते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि नोटा का वोट सरकार को जाता है। इन्होंने हिजाब और खिजाब की बात करी, हमने कहा वे हिसाब और किताब पर बात कर लो, क्योंकि हर आदमी, हमने सवाल ये करा है कि हर आदमी इनसे क्वेश्चन करे। अगर इनसे क्वेश्चन करते हैं तो जैसे अभी घटना हुई, ये सीधी गोली चलाते हैं, क्योंकि जवाब देने को कोई इनके पास में चीज नहीं है, कोई शब्द इनके पास में नहीं है जिससे जवाब दे सके। तो आपने देखा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर यह घटना घटी, लोग वहाँ बैठे हुए हैं, बात करेंगे सब लोग उसे, कैमरा कलम पर बंदूक का पहरा है, पूरी संस्थाओं पे कब्जा हो चुका है एक किस्म से। जिस तरह से आपके पड़ोस में लखीमपुर जिला, वहां पे 3 महीने में जो घटना आप सब लोगों ने देखी, पूरी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया ने देखी, उसको 3 महीने में बेल मिल के और बाहर आ गया, आज छूट जाएगा क्या? इस तरह की तानाशाही सरकार देश में चाहिए? यहाँ पे सरकारें तो बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री देश में बने, लेकिन वो चुना हुआ बने, वो शासक ना बने। यहाँ पे कोरिया की तरज पे तानाशाह देश में दूसरी दुनिया का तानाशाह हिंदुस्तान में पैदा ना हो। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, कहीं जाइएगा नहीं, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभाले। कल का मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे इनसे मौके से थोड़ी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहां पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहां पर शराब के ठेके दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं? हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया? तो अपने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी माजा पानी कम था, हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड, तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार
शाम 5 बजे। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. Vedanta, एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी को गोली मारने की धमकी दी गई है। आरोपी ने खुद को अखिलेश यादव का समर्थक बताते हुए खुद को मैनपुरी का बताया है और गोली मारने की धमकी दी है। समाजवादी पार्टी के लोग बौखला गए हैं। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के गढ़ में उनके आज सेंध लग गई है, गढ़ ध्वस्त हो रहा है। आज SP सिंह बघेल जी पर जिस तरह से हमला हुआ है, गीता साकी जी भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सदस्य उन पर जिस तरह से हमला हुआ है और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को धमकाने का काम कर रहे हैं। ये गोली मारने की धमकी दे करके आप भाजपा को डरा नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और समाजवादी पार्टी की हताशा ये साफ साफ बता रही है। वो कितनी भी धमकी दें, कितने भी डराने की कोशिश करें, कार्यकर्ता डरेगा नहीं। समाजवादी पार्टी की हार सुनिश्चित है। उन्नाव में दलित युवती की हत्या के मामले में दोबारा पोस्टमार्टम ने पूरी की पूरी कहानी पलट कर रखती है। दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दलित युवती की जांघ में चोट, हाथ में चोट और गले में चोट के निशान मिले हैं, जबकि इन तीनों इंजरी का जिक्र पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं था। परिजन अब घालमेल का आरोप लगाकर पोस्टमार्टम हाउस में कल रात से धरने पर बैठे हैं और साथ में कांग्रेसी लोग भी धरने पर बैठे हैं और योगी, मोदी और जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। उन्नाव की सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के कांशीराम कॉलोनी की एक महिला ने 8 दिसंबर 2021 को अपनी बेटी के अपहरण की तहरीर सदर में दी थी। आरोप था कि पूर्व राज्य मंत्री दिवंगत फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजोल सिंह ने उनकी बेटी का अपहरण करके हत्या कर दी। 63 दिन बाद पुलिस ने युवती के शव को पूर्व सपा राज्य मंत्री के आश्रम के ठीक बगल में गड्ढे खुदवाकर बरामद किया। 11 फरवरी को गहमा गहमी के बीच पुलिस ने चंदनघाट जाजमऊ में अंतिम संस्कार करा दिया था, लेकिन परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम की अपील की तो 15 फरवरी को दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। अब परिजन पोस्टमार्टम हाउस में शव रखकर धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि मेडिकल पैनल बोर्ड गठित करके एक बार फिर से पोस्टमार्टम करवाए।
तो उन्नाव से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर धरने पर पूरा परिवार बैठा हुआ है। सीधे तौर पर मांग है कि दोबारा से पोस्टमार्टम कराई जाए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तनवर खान जुड़ गए हैं। तनवर जी, क्या चल रहा है अब फिलहाल, अपडेट दीजिएगा और साथ ही साथ बताइएगा कि क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है। जी हाँ, जैसे कि यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि उसके परिवारजन जो है धरने पर बैठे हुए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि इसकी जो ना पूरी तरीके से जो है ना लखनऊ का पैनल आकर के फिर से एक बार जो ना पोस्टमार्टम करे। और इसके साथ ही जो है ये जो कांग्रेस के लोग भी धरने पर बैठे हैं, वो भी यही मांग कर रहे हैं। और इस बीच प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का सर कहना ये है कि जो ना ये जो हुआ है वो उसमें जो ना आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो है धरने पे जो है उनके जो बैठे हुए हैं इसको जो है ना मान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आरोपी देखिए ऐसा है तनवर साहब, आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जरूर कुछ कमियां देखने को मिली हैं और चोटों के जो निशान है वो भी निकलकर सामने आए हैं दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे। तो ऐसे में आप परिवारी जनों की क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि जो आरोपी है वो तो पहले से गिरफ्तार है, तो क्या कानून की धाराएं बढ़ाने की बात की जा रही है, क्या अन्य धाराओं में मुकदमा लिखने की बात की जा रही है? कानून की जो परिवार उसका आरोप है कि जो कानून की धाराएं वो बढ़ाई जाए, अन्य धाराएं भी उसमें जोड़ी जाए और साथ ही साथ जो ना उनका परिवार की जो है पहले भी मांग ये थी कि जो ना उनकी जो ना लड़के की सुरक्षा के लिए जो ना पुलिस गठित की जाए, 2-3 पुलिस वाले तैनात किए जाएं क्योंकि उनके भी जान को खतरा है, उनके परिवार वालों का ये कहना है। उसके साथ साथ जो है कांग्रेस में जो है ये कांग्रेस के लोग जो है ना प्रियंका गांधी से भी बात हुई है इनकी परिवार वालों की, तो वो भी जो ना कह रहे हैं कि जो ना ये धरने पे जो बैठे हैं इसका पूरे तरीके से सही से जो ना पोस्टमार्टम हो, उसका जो है अदालत में भी जो ना इसके लिए जो ना उन्होंने जो ना एक बार फिर से जो ना दायर किया है कि जो ना इसकी रिपोर्ट इसकी जो है पोस्टमार्टम जो ना सही से लखनऊ के PGI के जो ना डॉक्टरों के पैनल द्वारा कराया जाए। ठीक है, लेकिन पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है, इसमें जिम्मेदारी तय होती है CMO की, CMO का क्या कुछ कहना है? अभी CMO का कोई कहना नहीं है, इसके साथ ही और जो ना इस पोस्टमार्टम की और अभी कुछ जानकारी जो ना डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि अभी कुछ जानकारी इसकी पुष्टि करी जाएगी कि जो लड़की के साथ जो है बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी भी वो स्लाइड जो ना अभी भेज दी गई है, अभी जानकारी पूरी तरीके से नहीं आई है। नहीं, तनवर जी ये जानना चाहेंगे कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों के निशान जो कि अभी बताए जा रहे हैं जांघ पर हाथ पर, ये पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नजर नहीं आए, खामियां कहां थी, किसकी लापरवाही रही है अभी तक प्रथम दृष्टया, आप क्या कुछ कह सकते हैं? जी इसमें जो है ना खामियां तो डॉक्टरों की रही है क्योंकि जो है ना जो प्रशासन की तरफ से डॉक्टर जो तैनात किया गया था उन्होंने पूरी अपनी तरफ से शायद पूरी जो है ना इन्होंने वो नहीं किया है, पोस्टमार्टम जो है ना सही रिपोर्ट नहीं दी है, इसीलिए जो है दोबारा फिर से जो है ना कांग्रेस की जो है ना कांग्रेस की यहाँ महिला जो डॉक्टर आते हैं। हेलो, हाँ नहीं आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी जी, डॉक्टर जो यहाँ कांग्रेस ने जो है यहाँ पे CL पुनिया जी आए थे, उन्होंने कहा था मांग उठाई थी कि इसकी एक बार फिर से जो ना पोस्टमार्टम होगा और इसमें जो भी जानकारी है वो सामने आएंगी। ठीक है, PL पुनिया आए थे, उसकी तस्वीरें हमने देखी थी, साथ ही साथ अब कांग्रेस के लोग भी नजर आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि दलित बेटी की हत्या का मामला है, इसके अलावा और कोई नेता नजर आया, वहां पहुंचा है, बातचीत की है परिवार से? अभी फिलहाल तो कोई जो ना परिवार से मिलने के लिए कोई भी ना सपा का ना जो ना ये आपके BJP का नेता कोई भी नेता नहीं पहुंचा है अभी मिलने के लिए, कांग्रेस के अलावा कोई, कांग्रेस की जो ना सदर प्रत्याशी और आपकी पूर्वा प्रत्याशी जो ना वो लोग जो ना वहाँ धरने पे बैठी हुई है और कांग्रेस के कई लोग भी धरने पे बैठे हुए हैं पदाधिकारी। चूंकि तनवर जी इस पूरे मामले में जो आरोपी है वो दरअसल समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री का बेटा रजोल सिंह ही है, तो ऐसे में क्या BJP अभी तक स्टैंड लेती हुई नजर क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर आरोप है तो इस पे BJP क्या स्टैंड दे रही है, अभी तक कोई बयान कुछ भी आया है? BJP ने अभी कोई भी बयान नहीं दिया है और इसके साथ साथ कुछ जानकारी मिली है कि जो इनके भाई है अशोक सिंह वो BJP से भी कुछ पद रखते हैं जो BJP से रिलेटेड थे, तो इसलिए वो जो है इस पर कार्रवाई पूरी तरीके से नहीं हो पाई है।
ठीक है, इसके साथ ही एक और चीज़ है कि हाथरस में जो कांड हुआ था वो हम सभी को याद है, तो ऐसी भी आशंका जताई जा सकती है कि प्रशासन जो है ऐसे मामले को हर नज़र से दबाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा कि प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा हो किसी भी तरह से? शुरू में तो ये प्रशासन ने इसको पूरी तरीके से दबा दिया था, जब ये केस जो ना उछला है, लड़की के जो ना परिजनों का, माँ बाप का पूरी तरीके से आरोप ये था कि जो ना इसमें जो ना उन्नाव के सीओ और आपके जो ना ये काशीराम चौकी प्रभारी दीक्षित, ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व है इस पे, कोई इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब ये लड़की का जो ना उन्होंने एसपी को जो ना अप्लीकेशन भी दी थी यहाँ एसपी ऑफिस में, उसके बाद जो ना ये मामला तूल पकड़ा है, मीडिया ने जब इसको उठाया है तभी उसके बाद से कार्रवाई हुई है, उसी के बाद से जो ना पुलिस हरकत में आई है प्रशासन। ठीक है तनवर, पूरी जो भी घटना है, जो भी खबर है, उस पर लगातार नजर बनाकर रखेगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्नाव से इस खबर को हम आपको बता रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि बीते 8 दिसंबर 2021 को एक दलित बेटी का अपहरण करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने सिर्फ तहरीर ली थी, लेकिन आरोप है पुलिस पर भी कि पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज नहीं की। और घटना के लगभग 2 महीने के बाद शव को बरामद किया गया। शव को बरामद किया गया समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे का जो आश्रम था, बताया जा रहा है, उसके पास से। और लगातार जो पीड़ित पक्ष है, जो बेटी, जो मृतका है, उसके माता पिता लगातार आरोप लगा रहे थे उसी रजोल सिंह पर, जो कि अब गिरफ्तार है। तो ऐसे में मामला काफी तूल पकड़ चुका है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की लापरवाही पहले दिन से ही निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद आला अधिकारियों ने बताया था कि जो जिम्मेदार थे उनको अभी फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में यह देखना अहम हो जाता है कि आखिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ का यह पूरा मामला क्या है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।